लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रैक्टर से कैसे धान खेती का थ्रेसर लगाते हैं इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। 5 कट्ठा के लिए कितने टाइम लगता है, कितना आदमी लगता है, कैसे सिस्टम मिलाना चाहिए, ये सब कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ट्रैक्टर एक शक्तिशाली मशीन है और इस मशीन का प्रयोग से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। खन जोत, ओसर पसार, माल वाहक ओसर पसार, और हम थ्रेसर धान का, तोरी का, गांव का, हम बहुत सारी खेती का, राजमा का ये करते हैं। आज यहाँ पर मैं ये धान खेती का थ्रेसर लगा रहा हूँ और इस लगाने के टाइम में क्या कैसे थ्रेसर ने काम करता है, कैसे काम करना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो धान डाल रहे हैं ये उसका माउथ है, यहाँ से वो ग्रैप करता है, लेता है, इंटर होता है, ये यहाँ पर इनपुट है और इनपुट से हम ऐसे करके यहाँ पर ये बीटा बीटा धान का जो एक बंडल है वो बंडल को यहाँ से घुसाते हैं। घुसाना कैसे चाहिए, यहाँ का जो पराल होता है वो अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा। पहला आप डालेंगे फास्ट फास्ट डालेंगे तो मशीन जाम होगा, ये गलत कभी मत करना। और आपने लंबा वाला कपड़ा कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि कपड़ा से वहाँ पर तान देगा। हाँ, चश्मा वश्मा आपने खोलना चाहिए, वहाँ पर मोबाइल शोबाइल ऐसा सामान लेके जाना मनाही है। आपने आपका चश्मा है और तो वो है आपको करना चाहिए। मास्क अच्छी तरह से लगाना चाहिए, कपड़ा उसका धुला उला ये आपके शरीर में जाता है उसके बचाने के लिए आपने वहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको ढकना चाहिए। और इस बात बहुत ख़तरनाक है, इसमें आपका कोई बोरा ऐसा करके कोई भी डालेंगे तो आप उसको निकालने के लिए नहीं कोशिश करें, उसको छोड़ दें वहीं पर, वो ग्रैप करेगा, तानेगा, तो वहाँ पर आपने कोई भी आपका मक्का, आपका गेहूं, राजमा कोई भी होता है और कोई भी बोरा में डाल के आप कर रहे हैं तो उसको आपने वहीं पर छोड़ देना चाहिए, कोई भी कोशिश करना नहीं चाहिए। अंदर बड़ी से बड़ी हाथ डालना नहीं चाहिए, आपने वहाँ पर बड़ा वाला लाठी का भी प्रयोग करना नहीं चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, इसी सामान से जो उन चीज़ से आपने वहाँ पर लगा रहे हैं उसी चीज़ से उसको धकेलना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। और ये एग्जिस्ट का जगह है जहाँ से धान को अच्छी तरह से हवा लगा के वहाँ का भूस धूला जो होता है धूल मूल वो सबको उड़ा के, पराल उड़ा के यहाँ धान आता है, रेडी हो के यहाँ पर धान यहाँ पर आता है। और ये पराल वो सब कुछ एग्जिस्ट करने का जगह इधर होता है, वहाँ से हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मशीन ने पराल को एक तरफ, धान को एक तरफ और भूसा को एक तरफ करके इसको सफा करता है। और इससे हम कितना जल्दी होता है, आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो धान डालने के लिए एक दो तीन आदमी को यहाँ रेडी करना चाहिए। हाँ, दो आदमी ने उसको डालना चाहिए और एक आदमी ने धान को वहाँ से लेना चाहिए। और इस भाग में हमने क्या करना चाहिए, 1 2 3 4 5 आदमी इधर खड़ाना चाहिए, 3 आदमी उधर खड़ाना चाहिए और वो जल्दी होगा, काम नहीं रुकेगा, फास्ट होगा। और जिसको ये आता है, अभी मैं क्या कर लिया था, अभी मैं वहाँ पर मैंने ही डाल लिया था, अभी मैंने क्या किया, कैमरा लेके मैंने खींच रहा हूँ अंतिम टाइम में, इसलिए मैं आपको बताने के लिए खींच रहा हूँ। अभी मैंने सब कुछ ये जितना था मैंने ही डाल लिया था वहाँ पर, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी भी हूँ और कैसे करना है, कहाँ से खतरा नहीं होता है वो मैं सब करता हूँ और सिखाता भी हूँ। और यहाँ पर हमारा जो बड़ा बाह है वहाँ एक खेती अनाज को एक एक करके टिप के इसको संभाल रहे हैं, क्योंकि खेती पाती को
प्रेम करना चाहिए। इसके ही प्रेम से हमारा पेट भूख मिटता है और इसे करके यहाँ पर काम हो रहा है। और ये प्राल जो ये गुस्सा हुए ये इधर आता है और वहाँ से हम एंट्री करते हैं और उधर जाता है। ट्रैक्टर इधर है और ट्रैक्टर का रोटावेटर ज्वाइन करने के जगह से हम रोटावेटर ज्वाइन करते हैं और ऐसे करके हम जो थोड़ा बहुत होता है रहता है अंदर उसको भी हम सब सब कुछ संभाल के डालते हैं। और इतना खतरा मोलना नहीं चाहिए जो कि ट्रैक्टर का आसपास भीतर अंदर घुसना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर एक लोग घुस रहे हैं, एक खतरा है, ये घुसना नहीं चाहिए। लाठी से और कोई चीज़ से भी इसको लेना चाहिए, ये खतरा कुछ भी मोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये मशीन है। इसमें थोड़ा सा हमारा पैर हाथ कोई भी पड़ेगा, कपड़ा सपड़ा हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। मेरा मकसद क्या है, ये बहुत खतरे वाली चीज़ है, इसको मशीन का प्रयोग करना हम बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। थोड़ा सा लेट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा होश से आपको एक निश्चित बुद्धि से निश्चयात्मक मन से काम करना चाहिए। कोई हड़बड़, कोई गलती कुछ भी करना नहीं चाहिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और हमने यहाँ पर आपको जिज्ञासा होगा, हमने 5 गट्ठा जमीन का जो धान था उसको हमने 35 मिनट के अंदर इतने आदमी मिलके ख़त्म किया। जब यहाँ पर हम आदमी लगाते हैं तो इतना धान 10 क्विंटल धान आ रहा है, मुरी 4 मुरी 5 मुरी फलता है। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो यहाँ पर बनाया था, धान बहुत अच्छा था और 5-6 मुरी फलता है और वहाँ पर 10 क्विंटल अभी आ रहा है इतने उसमें अभी। ऐसे करके यहाँ पर खेती हम करते हैं। अरे मशीन अब जाने के अब बंद करने के टाइम हो रहा है क्योंकि यहाँ का काम सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने के बाद ड्राइवर ने इसको कंट्रोल करता है और वहाँ पर का जो जितना भूसा बाकी वाला धान होता है उसको क्लियर करके ऐसे करके मशीन ने उसको सफ़ा कर देता है और ऐसे करने से वहाँ पर सफ़ा होता है। और उसके बाद आपको मैं बताया था रोटावेटर ऐसे करके जोड़ते हैं, कोई भी आपको रोटावेटर थ्रेसर ऐसे करके इस मशीन में बहुत सारे मशीन हम जोड़ते हैं। कोई कोई लोग कपड़ा भी पेलते हैं दूसरा वाला मशीन से। ट्रैक्टर का प्रयोग बहुत सारे मशीन में होता है और वहाँ से हुल घूमता है, ये काम होता है। और ट्रैक्टर ए मशीन अभी ये फिनिश हो गया, अभी बंद हो रहा है। अभी काम क्या करना चाहिए, हम सावधानी से करना चाहिए, आपका जो प्राण है जीव है वो बचाना चाहिए। दर्शकों, कृषकों ने बहुत सारे मेहनत से खेती उपजाते हैं, धान उपजाते हैं और उसको प्रेम कीजिए, उसको ऐसे ही करके आपके साथ बहुत सारे पैसे होंगे और आप बहुत सारे खरीद सकते हैं और उसको फेंक देते भी हैं तो एक गलत काम है क्योंकि आपके पैसा से कोई भी खेती नहीं आते हैं, परिश्रम मेहनत से आते हैं और उसको आपका जो ईमानदारी का पैसा है वो सही है। और आपने जो चोरी डकैती जो ऐसे करके कमा रहे हैं तो उससे खरीद के ये नहीं फेंको, नहीं सड़ाओ, नहीं गलाओ, आधा नहीं खाओ, पूरा खाओ और इसको इज्जत करो क्योंकि कृषक का बहुत सारा मेहनत इस खेती में पड़ता है। और प्यार करो अन्न को, मैं यही चाहता हूँ, मेरा मकसद बुझिए, अन्न को प्यार कीजिए। और कृषक को आपको कोई राहत बढ़ना है, कोई आपको धर्म करना है तो आप मंदिर में जाके देना नहीं पड़ेगा। कोई भी आपके आसपास कृषक है उसको आप दान करो, बहुत सारे धर्म मिलेगा। मेरा ये पूरा अनुभव है, मैं भी कृषक हूँ इसलिए ये मेरा पूरा अनुभव है। दर्शकों, मैंने आपको वीडियो में बहुत सारे ज्ञान देने का प्रयास किया है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं लॉजिकल ज्ञान, लॉजिकल टेक्निक द्वारा आपको यहाँ पर खेती का सारा ज्ञान बताऊँगा और हमने खेती किसान सब कुछ को यहाँ पर बहुत प्यार से काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूँ। और हमें इतना लोग मिल के यहाँ पर काम किया और हम इसको फिनिश भी किया। आप भी ऐसे करके काम करो, बहुत सारे
और आपके जगह में जो इंडिया है, इंडिया के जगह में तो हाँ सारा काम मशीन ही करता है, एक ही साथ में काटता है, एक ही साथ में ले आता है। धन्यवाद, आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि।